आप सब लोग राधे राधे जय श्री कृष्णा। सो गाइस सुबह का ब्रेकफास्ट बन रहा है और आज भाई संडे, बच्चे लोग देखिए। जेनू गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये बन रहा है भाई हमारा ब्रेकफास्ट। तो भाई बटर में तो भाई ब्रेड अपनी बन रही है और साथ में अपने बन रहे हैं भाई ऑमलेट। दिखाओ, देखो ड्राइंग कर रहे हो। वेरी गुड। सो गाइस अपनी भाई ऑमलेट का कलर देखिए कितना गजब का आया है। भाई ये ब्रेकफास्ट अपना रेडी है। जीजा जी कैसी बनी है ऑमलेट? खाएंगे पहले। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आ चुके अपने मशीन और दो दिन पहले के जो ब्लॉग था उसमें भाई ये वाला कलर हो गया था, ये वाला हो गया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा जंग आ गया था। तो भाई ये कलर होने से पहले ये कलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले भाई भैया ने तो परसों ये किया है दो दिन पहले, उसके बाद सूखने के बाद ये वाला किया है। तो भाई आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताना भाई ब्लैक कलर कैसा लग रहा है हमारे बाहर के मेन गेट पर। और बाहर जो डिज़ाइन दिया गया है फूल का उस पर होगा भाई दूसरा कलर। तो फाइनल लुक हम जब पूरा हो जाएगा ना ये तब बताएँगे। जाए डॉक्टर के। सो गाइस मीन दीदी ने अपना फ़ोन है ना बिल्कुल न्यू करवाया है, ये देखिए न्यू करवाया बिल्कुल। और मेरा फ़ोन ये मुझे मतलब लिए 6 महीना हो चुका है, मतलब मुझे मेरे फ़ोन को 6 महीने से ज़्यादा हो गया होगा, 6 महीने से ऊपर हो गया। बट मेरा फ़ोन है ना पुराना पुराना लग रहा है मुझे, क्योंकि इसका जो टेम्पल है ना उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम, मतलब गिरने से कुछ स्क्रैच वगैरह आ चुके हैं। और इसके जो कवर है पीछे का उसमें भी थोड़ी सी मतलब खरोचे आ चुकी है, मतलब पुराना पुराना सा लग रहा है। तो इसको भाई बिल्कुल न्यू करवाते हैं क्योंकि दिवाली आ रही है, दिवाली में सब कुछ न्यू न्यू लगना चाहिए। और अभी खाना बन चुका है तो खाना वाना खाते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे जय श्री कृष्णा। तो भाई हो चुका है अगला दिन और अभी जस्ट मैंने नहा भी लिया है, चाय पानी जो भी हमारा वो हो चुका है। कल मेरा व्लॉग बनाना इसलिए नहीं हुआ कि कुछ चीज़ें हो गई थी, जैसे कि कुछ दिनों से भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो कल है ना भाभी के हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो भाभी के हाथ का ऑपरेशन हुआ है एक छोटा सा। तो भाभी को डॉक्टर के लेके गए तो कुछ चीज़ें इस वजह से भी मतलब वीडियो बनाना नहीं हुआ। तो सब लोग परेशान थे बहुत ज़्यादा, और बच्चों को भी संभालना था, फिर थोड़ा सा काम भी चल रहा है घर में, और मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने व्लॉग शूट नहीं करना हुआ मेरा। तो अभी सुबह हो चुकी है, अगला दिन हो चुका है और व्लॉग अभी स्टार्ट किया है मैंने। क्या चाहिए? कौन सी खाना? तो खा ले बेटा, खाना खा ले, मैं खिलाऊं। अरे मैं खिलाऊं, खिलाऊं। बताओ कैसी बनी है? कौन बनाया? बुआ। सो गाइस एक तरफ चाय बन रही है और ये दूसरी तरफ चावल बन रहे हैं, मतलब बिरयानी। और ये भाई इसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो भाई ये भी सब्जी बनी है। हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? इस परसों की आवाज़ ज़्यादा आ रही है और अभी खाना बन रहा है और अभी समय मिला है मुझे थोड़ा सा यार वीडियो शूट करने का, क्योंकि भाई अच्छे से वीडियो शूट करने का समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा कि मतलब भाभी भाई भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, सारी चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ रही है। और अभी हमारे घर में गेस्ट लोग आए हुए हैं और गेस्ट है भाई भाभी के मम्मी पापा आए हुए हैं, और किचन में काम भाई इन दोनों हम दोनों ही हैं। और इधर से मुस्कान अभी काम करके गई है थोड़ा। तो आज हम लोग भाई बहुत ही ज़्यादा लेट फ्री होने वाले हैं, आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट फ्री होने वाले हैं, क्योंकि तीन तीन चार चार चीज़ें बन रही है खाने में, मतलब वेज बन रहा है नॉन वेज भी बन रहा है ना, वेज नॉन वेज दोनों बन रहा है। और कल मंगलवार है तो कल
हम लोग नहीं खाएंगे तो आज वही खा रहे हैं। जो जो लोग खाना चाहेंगे वो लोग खाएंगे। तो आज बनता है मटन, आज भी मटन बन रहा है और एक दिन पहले भी मटन बना था, तब मैं और कुणाल खाना खा रहे थे साथ में। सो गाइस इधर तो भाई रिया की रोटी अभी तक नहीं बनी भाई, और अभी समय हो चुका है 10:15 और खाना अपना लग रहा है। तो खाने में क्या बना है कुछ दिखाते हैं आप सब लोगों को। गाइस अपना खाना लग चुका है। तो भाई ये है आलू गोभी की सब्जी, और ये मटन है, और ये वेज बिरयानी, और साथ में रोटी है। बाइट मैं सर रोशन खाई था ना, और वेज में शानदार बनी सब्जी, सच बताऊं। नॉन वेज का भी देख लेते हैं भाई कैसा है इसका टेस्ट। नॉन वेज मैंने बनाया इसलिए, और वेज मेरी बहन ने बनाया हिंदू ने। मेरी पसंद की बिरयानी, मुझे सोयाबीन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देखिए सो गाइस देखो कैसे छुप रहा है, देखो ना तो गुड मॉर्निंग बोल रहा है आप सब लोगों से, ना किसी से कुछ भी नहीं कह रहा है, ऐसे बोल रहा है ये करो वो करो, सुबह सुबह का नाटक है। देखा ना बेटा चोट, देखो इतना चोट लगा था इसको, अब तो बहुत ही ज्यादा ठीक हो चुका है ना कार्तिक, ठीक हो गया ना। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग, राधे राधे जय श्री कृष्णा। और अभी समय हो चुका है 9 बज चुके हैं, और ये व्लॉग है ना मतलब 3 दिन से ये व्लॉग चल रहा है। परसों मैंने स्टार्ट किया था, फिर परसों थोड़ा सा शूट किया, फिर कल थोड़ा सा शूट किया, फिर आज देखते हैं आज इसको कंप्लीट पूरा करेंगे, क्योंकि आप सब लोग सोच रहे हैं व्लॉग भी नहीं आ रहे हैं। और अब जब आप सब लोग ये व्लॉग देखोगे तो आप सब लोग ये भी सोचोगे कि यार बार बार मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, मतलब 3 दिन निकाल दिया व्लॉग में। तो भाई आप सब लोग समझ सकते हो परिस्थिति मेरी कुछ ऐसी है, परिस्थिति कुछ ऐसी है, क्योंकि अगर घर में कोई एक आते हैं बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे गेस्ट लोग आते हैं जाने लग जाते हैं, पूछने आते हैं मिलने आते हैं भाई। और अब देखते हैं देखो, वैसे भाभी को तो अभी पूरा रेस्ट 15 दिन का दिया गया है, देखते हैं देखा दिवाली से पहले पहले ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं यार चाय वाय पीते हैं। ये देखिए गाइस ये क्या कर रहे थे, किससे किससे करा किससे करा दिखा दिखा देख तो सही। चाचू आई लव यू, जीनू बोलेगा गुड मॉर्निंग, दूध पी लो। सो गाइस भाभी भी बैठी हुई है दीदी के पास, देखो ये कॉस्मेटिक की सारी चीजें शॉपिंग की थी इन लोगों ने, तो वो सारी चीजें देख रहे हैं। नहीं इसको चिढ़ा रहा है बहुत देर से, दीदी का सामान सारे प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं ना जी, काफी महंगे प्रोडक्ट है भाई। ये देखिए लूला लूला बोल दिया राम बाप रे। सो गाइस अपने लिए चाय डाल लेते हैं, क्योंकि भाई मम्मी उधर बैठी हुई है और भाभी रेस्ट पे है। खा रहे हो एप्पल? एप्पल खा रहे हो? अरे वाह, एप्पल दिखाओ कैसी एप्पल, अच्छी है। सूजी ले ली है मैंने, और टमाटर प्याज हरी मिर्च ये चीज़ें लिए मैंने। तब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे पहले, और फिर इसके बाद या तो दही या फिर छाछ ऐड करेंगे। गाइस अपना बैटर बन चुका है सूजी का, ये चटनी बन रही है, और ये बन चुका है, चीले हमारे बन चुके हैं भाई। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट बन चुका है, और ट्राई करके बताते हैं भाई कैसा बना है। और मैंने मतलब बैटर बनाया था, बाकी जो सिकाई का काम है बनाने का वो इंदु ने किया है, मेरी सिस्टर ने। क्या हो रहा है कार्तिक, कार्तिक देखो यार। सो गाइस अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, तो भाई रेड चटनी, हाँ रेड चटनी ये ले लिया है मैंने वाइट। हो चुका है कार्तिक की ये जो चोट लग गई ना, यहाँ की थोड़ी सी ड्रेसिंग करनी है तो वो करते हैं। तो भाई थोड़ी सी ट्यूब लगानी है बेटा, मीठी मीठी लग रही है।
गाइस ये लग गई है कार्तिक के पट्टे, इसको दबा लेना भाई। सो गाइस ये देखिए 12 बजे। सो गाइस ये हो चुकी है भाई कार्तिक की पट्टी। अभी अच्छे से नहीं अठा भी नहीं पाएगा और जो दवाई लगाई है ना मैंने वो भी नहीं अटेगी, तो इसको 15 मिनट तक रखनी है अपन को ऐसे, फिर अठा देना है ना। खाना बन रहा है भाई इधर, और ये खाना भाभी के लिए लगा दिए रिया, वो अभी खाना खाएगी। बोलो बेटा क्या पानी पियोगे? पट्टी अठा दो बेटा, 10-15 मिनट क्या बहुत देर हो गई, रुको तो रुको रुको रुको, बस 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 ये अट गया। खाना पीना हमारा हो चुका है और मतलब मेरा तो हो चुका है, दो तीन लोगों का तो हो चुका है। पानी पिला दूं? पानी पिएगा? तू खाना नहीं खा रहा क्या? नहीं, बस ये सुनता ही नहीं है यार, मेरा सुनता ही नहीं है राइस। तो भाभी की तबीयत अब ठीक है, भाभी की तबीयत अब ठीक है, और डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया 15-20 दिन का, और इस बीच में दीदी सब लोग यहीं पे रुके हुए हैं। और ये भाई ब्लॉग चल रहा है 3 दिन से, तो ब्लॉग को मैं एंड करता है। कैसा लगा ब्लॉग? लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल पर अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि न्यू ब्लॉग हम स्टार्ट करेंगे भाई, क्योंकि इस ब्लॉग को हम जल्दी एंड करेंगे तो न्यू ब्लॉग जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।